हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालचाल के बारे में। आपने आज भी मार्केट में क्या देखा कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ें देखने को मिल नहीं रही थी। मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर आज भी ना आपको बिल्कुल ठंडा सा दिखाई दिया। वैसे तो गिरावट ही थी, वो तो अच्छा रहा कि क्लोजिंग के समय थोड़ा सा फ्लैट हो गया, अदरवाइज गिरावट ही देखने को मिलती। लेकिन जो भी है वो अपनी अपनी जगह ठीक है चीज़ें, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा अमेरिकन मार्केट की सिचुएशन क्या है, साथ में वो कुछ शेयर्स जिनमें कुछ खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, और जिनमें एक तेज़ी हो सकती है। स्पेशली आरबीआई की तरफ से एक दो पर्टिकुलर बैंक के लिए अच्छी खबरें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में एग्जैक्ट क्या चल रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें अभी आपको तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है, एंड तेजी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो डाउ जोन्स में फिलहाल अगर हम देखें तो चीज़ें जो है सही दिखाई दे रही हैं, कोई खास समस्या तो डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रही, सिचुएशन जो है आपको थोड़ी सी तेजी की साइड ही देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ डाउ जोन्स के बाद नैस्डैक दिखाऊँ, तो देखो नैस्डैक की सिचुएशन क्या है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है। जितनी तेजी आप ये मान के चलो डाउ जोन्स में थी, लगभग उतनी ही गिरावट आपको जो है नैस्डैक में देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है डाउ जोन्स एंड नैस्डैक की। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको लेकर आऊं अगर भारतीय स्टॉक्स के ऊपर, जैसे कि इंफोसिस हो गया, तो यहाँ देखो इंफोसिस अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है लगभग डाउन, और हल्का फुल्का ही डाउन है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर हम विप्रो पर चलते हैं, विप्रो भी आपको जो है डाउन ही देखने को मिल रहा है लगभग आधे परसेंट के आसपास का। एंड लास्ट में एचडीएफसी बैंक में आपको ठीक ठाक सी गिरावट दिखाई दे रही है। आजकल एचडीएफसी बैंक ज़्यादा वॉलेटाइल होने लगा है, मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो बाकियों के कंपेरिजन में एचडीएफसी बैंक में एग्जैक्टली गिरावट और तेजी जो भी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, खैर ये बात हो गई, लेकिन अब मैं आपको एक एक करके स्टॉक्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ। उन स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं जिनमें कल आपको जो है उतार चढ़ाव का माहौल, स्पेशली तेजी का माहौल आपको जो है देखने को मिल सकता है। चलो अब हम उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके कोई नंबर नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया तो आप सोच रहे बढ़िया रिजल्ट आ गया, नहीं, यहीं पर खबर है आरबीआई के हवाले से एक खबर निकल कर आई है। ये देखो आपके सामने यहाँ लिखा है आरबीआई लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडिंग कस्टमर्स ऑन बैंक ऑफ बड़ौदाज मोबाइल ऐप। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले, लगभग हो गए 4-5 महीने पहले, यहाँ पर इनकी मोबाइल ऐप पर नए कस्टमर जोड़ने से आरबीआई ने मतलब पाबंदी लगा दी थी। अब वो पाबंदी जो है वो हटा दी है, रेस्ट्रिक्शन जो है हटा दी है। अभी कुछ समय पहले बजाज फाइनेंस के लिए भी ऐसी ही खबर निकल कर आई थी, जहां पर आरबीआई ने उन पर जो लगाई हुई पाबंदियां थी वो हटाई थी। उसके बाद बजाज फाइनेंस में एक गजब की तेजी देखने को मिली थी, और आप ये मान के चलिए कि आज ये जो खबर आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, ये भी एक इसी तरीके की खबर के तौर पर आप मानिए। एंड इस खबर का जो असर है वो श्योरली आपको पड़ता हुआ कल इस पर्टिकुलर काउंटर पर दिखाई देगा। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये काउंटर जो है कल एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आने वाला है। तो यहाँ आप बिल्कुल नज़र बनाकर रखें। एंड वैसे भी शेयर थोड़ा सा अगर देखा जाए टेक्निकली थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप मंथली चार्ट पर देखोगे तो शेयर ना ऊपरी स्तर पर ही है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है, इस बात के चांसेस पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। तो इस काउंटर पर आप डेफिनेटली नजर बनाएं। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों बीएसई लिमिटेड। अगर बीएसई के देखे जाएं तो आ जाए नंबर, बीएसई के नंबर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे भी ये स्टॉक हाईली वोलेटाइल रहता ही है, लेकिन जब इसके नंबर आए हैं तो नंबर्स पर तो ध्यान डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके नंबर जो है किस तरीके के हैं। देखो इस बार जो प्रॉफिट आया है वो आया दोस्तों 106 करोड़ का। ठीक है, पिछले सेम क्वार्टर में 106 करोड़ का ही था, बस कुछ लाख में जो है फर्क है। अभी 89 लाख है, 106 करोड़ 89 लाख, पहले थोड़ा 27 लाख के आसपास ये मानो, तो ओवरऑल थोड़ा सा फर्क है, लगभग समान है। ठीक है, अभी 1-2% ज्यादा है इस बार बस, लेकिन अगर आप इसे देखोगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 88 लाख का प्रॉफिट था, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन 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 जो फर्क है
वो आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस बार आया है 771 करोड़ का प्रॉफिट FY24 में, एंड पिछले साल FY23 में था 205 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ अगर हम देखें तो सीधा सीधा 3 गुना प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है ना दोस्तों, तो इस बात का तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। साथ में 15 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया। हालांकि 15 रुपए का डिविडेंड कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो गई, लेकिन जो भी है वो मैं आपके सामने तो रख ही रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें, एक और कंपनी NBFC निकल कर आती है, और इसका नाम है दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस। ये देखो होम फर्स्ट फाइनेंस जो है आपके सामने मैंने रख दिया है। यहाँ भी नंबर आए हैं, और नंबर आए हैं 83 करोड़ के प्रॉफिट के, पहले 79 करोड़ का यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिला करता था, ठीक है। लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो 306 करोड़ का प्रॉफिट आया है 228 के सामने। तो नंबर आप अच्छे मान के चल सकते हैं, एंड अच्छे नंबर का फर्क अच्छी तरीके से पड़ भी सकता है, चांसेस इस बात के भी हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों नाम निकल कर आता है कैनरा बैंक का। अब कैनरा बैंक में अगर हम देखें तो इसके भी आए हैं नंबर, ठीक है। इसके नंबर अगर आप देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत तोड़ू फोड़ू है, लेकिन जो है वो एग्जैक्टली मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आप खुद ही समझ लेना। नेट प्रॉफिट जो दोस्तों इसकी निकल कर आई है वो आई है 3757 करोड़ की। 1 सेकंड में लिख कर ही बताता हूँ, 3757 करोड़ की, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 3656 करोड़ की थी, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 3174 करोड़ की। तो इस तरीके से प्रॉफिट रही है। लेकिन अगर हम सालाना बेसिस पर देखें तो 14,554 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड पिछले साल था 10,603 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें साल दस साल बेसिस पर लगभग प्रॉफिट 40% आपको जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन शानदार नतीजे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के, मतलब LNT के। अगर LNT के हालचाल देखेंगे आप तो इसके जो प्रॉफिट्स, वैसे भी कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो वैसे भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट आया दोस्तों 5003 करोड़, पिछले क्वार्टर में क्या था 3594 करोड़, तो एक अच्छा जंप है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे साल दर साल बेसिस पर देखोगे तो निकल कर आता है दोस्तों 15,569 करोड़ का, जो कि 12,624 करोड़ था। तो इसके नंबर भी अच्छे हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। लास्ट जो कंपनी दोस्तों, उसका नाम है 1 सेकंड किर्लोस्कर ऑयल। ये देखिए आपके सामने आ गया, इसका नाम किर्लोस्कर ऑयल है, एंड यहाँ अगर हम देखेंगे प्रॉफिट आई है 117 करोड़ की, ठीक है, एंड पिछले क्वार्टर में थी 82 करोड़ की। तो अच्छी प्रॉफिट नो डाउट, एंड अगर साल दर साल बेसिस पर देखेंगे 361 करोड़ की 270 के सामने। तो ये रहे हैं दोस्तों नंबर्स की कुछ बेसिक कंपनी, जो इंपॉर्टेंट कंपनी है उनके नंबर। तो आज की सुनम दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, या तहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।